कामयाबी अपने प्रोफेशन की शुरुआत करने वाले हर शख्स की चाहत होती है कि उसे अपने क्षेत्र के कामयाब व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाए। वो कामयाबी के उस स्तर को हासिल करे जो उसका आइडियल ने हासिल किया था। मगर कुछ आइडियल खिलाड़ी ऐसा लेवल सेट करते हैं कि नए खिलाड़ी के लिए उस लेवल को हासिल करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी एक ख्वाब देखने जैसा होता है। एक ऐसे ही खिलाड़ी का नाम है जेब थॉम्सन। रफ्तार के सौदागर जेब थॉम्सन को आज की पीढ़ी शायद ही जानती हो, मगर जो जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि थॉम्सन जैसा घातक तेज गेंदबाज सदियों में एक बार आता है। उस घातक गेंदबाज की जिंदगी को ही समेटे हुए है नारा टीवी की ये खास श्रृंखला नाइटमेयर फॉर बैट्समैन का आज का एपिसोड। दोस्तों, तौर पर नारद टीवी अपने दर्शकों से वीडियो के अंत तक जुड़े रहने की रिक्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि हम आपके हर फैसले की इज्जत करते हैं। मगर आज हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और महसूस करें कि क्यों नई पीढ़ी को थॉम्सन के बारे में जानना चाहिए, क्यों थॉम्सन को क्रिकेट इतिहास का फाइनेस्ट फास्ट बॉलर गिना जाता है, क्यों थॉम्सन के स्टाइल और कॉन्फिडेंस की कोई मिसाल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जेब थॉम्सन की कहानी बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 अगस्त 1950 को न्यू साउथ वेल्स में एक पूर्व फर्स्ट क्लास ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डॉन थॉम्सन के घर जन्म हुआ था जेब थॉम्सन का। पिता डॉन का सपना था कि थॉम्सन ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले और क्रिकेट में खूब नाम कमाए। मगर स्कूली दिनों में जेब थॉम्सन का क्रिकेट से ज्यादा इंटरेस्ट नाव चलाने, फिशिंग करने और फुटबॉल खेलने में था। इसके अलावा लड़कियों में मशहूर थॉम्सन को अपनी इज्जत के साथ कोई भी समझौता मंजूर नहीं था। क्रिकेट से दूर रहने वाले थॉम्सन की इस खुददारी ने ही उनकी जिंदगी की दिशा को तब पलट कर रख दिया जब फैसले से नाखुश थॉम्सन ने एक फुटबॉल मैच के दौरान बीच ग्राउंड में ही रेफरी को मुक्का मार दिया। इस घटना के बाद स्कूल में थॉम्सन के फुटबॉल खेलने पर प्रतिबंध लग गया और इस तरह उन्हें मजबूरन क्रिकेट खेलने के लिए राजी होना पड़ा। फिर यहाँ से अध्याय शुरू हुआ आक्रामक और निडर जेब थॉम्सन का। थॉम्सन के मिजाज में गुस्सा और तेजी कुदरती थी जो उनकी गेंदबाजी में उतर आई, जिसके बाद थॉम्सन ने पहले स्कूल और फिर क्लब स्तर पर अपने तेज गेंदों से खूब नाम कमाया, जिसके चलते 22 साल के थॉम्सन को 1972-73 सत्र में न्यू साउथ वेल्स की ओर से डेब्यू करने का मौका मिला। थॉम्सन ने मौके को दोनों हाथों से लपका और पहले 5 मैचों में 17 विकेट लेकर सनसनी मचा दी, जिसका इनाम थॉम्सन को उसी साल ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में करिश्माई एंट्री के रूप में मिला। और इस तरह 29 दिसंबर 1972 को थॉम्सन ने पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट से अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया। मगर उस मैच में थॉम्सन एकदम फीके साबित हुए और बिना कोई विकेट लिए 110 रन दे दिए। इस मैच के कुछ दिनों बाद पता चला कि मैच के दौरान थॉम्सन का अंगूठा टूटा हुआ था और उन्होंने ये बात टीम मैनेजमेंट से छुपाई हुई थी। खराब डेब्यू और चोट छुपाने के बाद थॉम्सन की कड़ी आलोचना हुई। हालांकि थॉम्सन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और करीब एक साल बाद मैदान से दूर रहने के बाद थॉम्सन ने सीधे शेफील्ड शील्ड फाइनल में 9 विकेटों के सनसनीखेज प्रदर्शन से वापसी की। मगर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम में वापसी करने के लिए थॉम्सन को लंबा इंतजार करना पड़ा और उन्हें टीम में दोबारा 1974 एशेज के लिए शामिल किया गया। थॉम्सन इस मौके के इंतजार में ही बैठे थे और उसके बाद थॉम्सन ने मुड़कर नहीं देखा। ब्रिस्बेन से शुरू हुआ थॉम्सन का तांडव सीरीज के आखिरी टेस्ट तक चला। उस एशेज में सबको चौंकाते हुए थॉम्सन ने 5 मैचों में 33 विकेट लिए। थॉम्सन को 1974 एशेज की खोज कहा गया। जो अखबार कुछ महीनों पहले थॉम्सन को फुका हुआ कारतूस बता रहे थे, वो थॉम्सन की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। विश्व क्रिकेट ने थॉम्सन नाम की आंधी की शुरुआत देख ली थी। अब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी लाइनअप किसी से भी कम नहीं थी, क्योंकि इधर थॉम्सन अपने कदम जमा रहे थे तो उधर डेनिस लिली भी फिट होकर कहर ढाने लगे। यहाँ एक खास बात यह है कि जिन डेनिस को थॉम्सन का सर्वश्रेष्ठ जोड़ीदार गिना गया, उनके साथ पहले मुलाकात में थॉम्सन ने बदतमीजी की और एक घरेलू मैच के दौरान स्लेजिंग की थी। मगर ड्रेसिंग रूम में आने के बाद दोनों ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताने के लिए जी जान लगा दी। फिर क्या इंग्लैंड और क्या वेस्टइंडीज, लिली थॉम्सन की जोड़ी ने जमकर बल्लेबाजों के जज्बों को परखा। खासकर थॉम्सन की गेंदों का निशाना स्टंप से ज्यादा बल्लेबाज के शरीर पर होता था, जिस पर एक बार थॉम्सन ने कहा भी था, मुझे पिच पर बल्लेबाजों का गिरता हुआ खून देखना अच्छा लगता है। हालांकि स्टेटमेंट थॉम्सन के अग्रेशन को दिखाता है, न कि बेवकूफी को। दोस्तों, यूं तो थॉम्सन की घातक गेंदबाजी और आक्रामक रवैये के बहुत से किस्से हैं, मगर एक घटना जिसके बिना ये वीडियो अधूरी है वो 1975 वनडे विश्व कप में हुआ था। बात श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की है। खराब शुरुआत के बाद श्रीलंका की ओर से दिलीप मेंडिस और सुनील वेंतीमुनि ने काउंटर अटैक शुरू किया। ये बात थॉम्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने दोनों बल्लेबाजों की पसलियों और एड़ियों पर अटैक करना शुरू किया। इस दौरान ही एक बॉल सुनील के पांव पर लगी और वो दर्द से लंगड़ाने लगे। तब थॉम्सन ने दर्द से कराहते हुए सुनील से वो मशहूर वाक्य कहा था जो उनके वर्चस्व की मिसाल था। थॉम्सन ने कहा, देखो दोस्त, पांव भी टूटा नहीं है, मगर तुमने अगली बार बॉल खेली तो जरूर टूट जाएगा। उसके बाद हुआ भी ऐसा।
थॉमसन ने ऐसा घातक स्पेल किया कि दोनों बल्लेबाज मैच खत्म होने के वक्त अस्पताल में थे और मेंडिस के शरीर पर जगह जगह गेंदों के निशान थे, जिसे देखते हुए पुलिस ऑफिसर ने मेंडिस से थॉमसन के विरुद्ध प्रेस चार्ज के लिए पूछा। हालांकि वो बात आगे नहीं बढ़ी, मगर थॉमसन का कहर एक दशक तक बल्लेबाजों पर टूटा। थॉमसन की गेंदों की रफ्तार पर बात करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक ब्रेयरली ने कहा था, टूटी हुई शादी हो, किसी अपने से धोखा मिला हो या और भी कोई बड़ा गम हो, थॉमसन की गेंदों के सामने जिंदगी का हर लम्हा आंखों के आगे से गुजर जाता है। दोस्तों, करीब 6 फुट लंबे गठीले थॉमसन के तेज गेंदों की वजह उनके स्लिंग शॉट बॉलिंग एक्शन को गिना जाता है। ये अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन थॉमसन को अपने पिता से विरासत में मिला था। इस बॉलिंग एक्शन की वजह से थॉमसन को अतिरिक्त रफ्तार मिलती थी और उनकी हिट द डेक गेंदबाजी के स्टाइल के चलते ही बल्लेबाजों को गेंद भारी महसूस होती थी। थॉमसन के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल ने उनके सामने बल्लेबाजी करने से ही मना कर दिया था और पूर्व महान बल्लेबाज विव रिचर्ड्स ने थॉमसन को सबसे तेज गेंदबाज तक कह दिया था। हालांकि विश्व क्रिकेट ने थॉमसन को होल्डिंग, इमरान खान और जुल गार्नर से तेज तब गिना जब 1975 में उनकी गेंदों की रफ्तार ने 160.58 किलोमीटर प्रति घंटा का माइलस्टोन हासिल किया, जबकि थॉमसन के साथी खिलाड़ी और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर रोडने मार्श की माने तो जैद की गेंदों की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। मगर हर खिलाड़ी की तरह थॉमसन के करियर का अंत भी डूबते सूरज की तरह ही रहा। खराब होती फिटनेस के चलते थॉमसन साल 1983 से 1985 के बीच सिर्फ 2 टेस्ट ही खेल पाए और साल के आखिरी दिनों में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज क्रिकेट की दुनिया में थॉमसन को कोई यशज में किए गए स्पेल के लिए याद करता है तो कोई विश्व कप में फेंकी गई घातक गेंदों के लिए, मगर बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो थॉमसन को एक बहादुर बैंक मैनेजर के तौर पर याद करते हैं। एक ऐसा बैंक मैनेजर जिसने बंदूक लिए खड़े लुटेरों से जमकर मुकाबला किया और पुलिस के हवाले किया। थॉमसन ने अपने क्रिकेट करियर में भी इस निडर रवैये के चलते ही बहुत से कारनामे किए, जिसकी समरी उनके आंकड़े जरूर देते हैं। थॉमसन ने 51 टेस्ट मैचों में 28.00 की लाजवाब औसत से 200 विकेट लिए, जबकि 187 फर्स्ट क्लास मैचों में विकेटों की ये संख्या 675 तक पहुंच जाती है। साथ ही थॉमसन ने 50 वनडे भी खेले जिसमें उन्होंने 55 विकेट हासिल किए। हालांकि थॉमसन आज क्रिकेट सर्किट में अन्य साथी खिलाड़ियों जितने एक्टिव नहीं हैं, मगर गेंदबाजी से जुड़ी हर चर्चा का हिस्सा जरूर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज थॉमसन की जिंदगी से जुड़ी वो अनसुनी बातें जो हर खिलाड़ी के लिए एक प्रेरणा है। आपको थॉमसन पर आधारित ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि नाइटमेयर फॉर बैट्समैन में आप अगली वीडियो किस गेंदबाज पर देखना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।